9 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं आई। दिवाली होली पे देते हैं ये लोग, उसके बीच में तो चाहे हम मरें चाहे जिए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आज मैं फिर से आशाओं के बीच में आ चुका हूँ। आशाएं पिछले कई सालों से अपने हक के लिए लड़ाई कर रही हैं और मैं भी आपको अपडेट दे रहा हूँ, मगर पिछले प्रोटेस्ट के बाद सरकारों पर थोड़ी सी उनकी जो जो नींद थी वो उठी और लेबर मिनिस्टर ने उनको मीटिंग पर बुलाया, मगर उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं रहा क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ ही नहीं। जब ज़मीनी स्तर पर जो बदलाव होते हैं वो अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं कि क्या आशाएं अभी भी किस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं। ये बहुत शर्मनाक है कि आशा वर्कर्स या जो भी स्कीम वर्कर्स हैं वो सीधे सीधे सरकार का काम करते हैं। सरकार की तरफ से कोई सर्वे हो, कोई विज्ञापन हो, हेल्थ संबंधी कोई भी चीज़ हो, पोलियो ड्रॉप पिलाना हो, जच्चा बच्चा टेक केयर हो, आप देखिए भारत ने पोलियो को बीट किया, आज जच्चा बच्चा की इतनी सारी मौतें कम हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके आशाओं को ये कह दिया जाता है कि वो सेवा के नाम पर हैं। कितने साल से आप आशा वर्कर हैं? मैं 7 साल से। कैसा लग रहा है काम करके? स्माइली काफी। हमारे कितने आशा वर्करों को कोविड हो गया, लेकिन फिर भी सरकार ने या एनएम ने डॉक्टर ने किसी ने देखा जाके? कोविड के टाइम के बाद इन्होंने ऑल टोटली काम अपना तो बंद कर दिया, लेकिन हमारा प्रेशर जो है वो पूरी तरह से आज लेप्रोसी की सर्वे करो, कल टीकाकरण करो, तो परसों फैमिली प्लानिंग करो, ये सब हम पे बराबर कराया जा रहा है। इस जमीनी कामकाज का ही बदला था कि WHO जैसी संस्था ने भारत की आशाओं की काम को पहचाना और उस काम को सम्मान दिया, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवार्ड दिया। बिल्कुल हमारे देश की आशाएं इस सम्मान से गौरवान्वित हैं, लेकिन हमारे देश की आशाओं के मन में एक सवाल भी है। कितनी दिन तक हम समाज सेवा करते रहेंगे? अब हमारे भी तो बच्चे बड़े बड़े हुए हैं, उनकी भी शादी ब्याह करनी है और घर की हमारी भी खर्चा है और सबका, हम खुद के जो सरकारी सेवा कर रहे हैं और हमारी खुद का ठिकाना नहीं है, हमारी इलाज के कोई प्रबंध सरकार ने नहीं किए। कोरोना के लिए सरकार ने बोला था कि हम महीने की 1000 रुपया देंगे, लेकिन कोरोना तो आज भी है, लेकिन सरकार हमें कहाँ दे रही है, 2-3 महीने दे के बंद कर दी, क्योंकि कोरोना आज भी है, कोरोना का टीकाकरण हम ही लोग करवाएं। सरकार तो अपनी ताली बजा रही है कि हमने कर दिया, लेकिन अकेले कम थोड़ी कर दिया, आशाओं ने किए, कोई नहीं करा है। कुछ आशा वर्कर तो हमारी सीनियर सिटीजन हो चुकी है, उसके बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं देना बनता है इनका, ना कोई पेंशन है ना कुछ है। हमें तो कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, और अगर हम जाके बैठते हैं डॉक्टर कहता है हटो, चलो शोर मत मचाओ, यहाँ पे चलो बाहर जाके बात करो। मेरा नाम नीरज है, मैं 2008 से आशा वर्कर हूँ। तो डिस्पेंसरी में ही हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो हमने सोचा था कि डॉक्टर और ANM को जो सैलरी मिलती है तो हमें भी सैलरी मिला करेगी, लेकिन जब हमने काम किया तो यहाँ पर तो सैलरी क्या कुछ ना के बराबर ही सब कुछ मिला। तो ये सब चीज़ें तो हमें इंटरव्यू से पहले कुछ भी नहीं बताई गई थी। इस पूरे काम के लिए उनको कोई सम्मान नहीं मिलता, जबकि सच बात ये है कि हमारे देश के जन स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है आशाएं। और आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर किसी शरीर से रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो शायद वो पूरा ढांचा गिर जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे देश की आशाएं जो आज के समय में स्थितियां हैं उसमें अगर निराश होकर के इस काम से पीछे हटने लगी तो हमारे देश के पूरे जन स्वास्थ्य का ढांचा गिर जाएगा। पिछले दिनों हम लोगों ने केंद्र सरकार, पिछले साल हम लोगों ने केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रदर्शन भी किया था। हम केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मिले थे और हम लोगों ने इस बात को पूरी मजबूती के साथ रखा कि सरकार को आशाओं के मुद्दे को उठाना चाहिए, उनको श्रमिक का दर्जा देना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि उसके बाद सरकार ने कुछ सीरीज ऑफ मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने दिल्ली आशा कामगार यूनियन ACTU को भी आमंत्रित किया था, अन्य यूनियनों को भी आमंत्रित किया था, हमें भी आमंत्रित किया था। और हम लोगों ने बहुत ही मजबूती से ये बात रखी कि आशाओं को चाहे वो उनके सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो, चाहे वो उनके ESIPF का सवाल हो, उनके सम्मान का सवाल हो, इन सारी चीज़ों को सरकार को इमीडिएटली पहलकदमी लेकर के करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि सरकारी कामकाज में जिस तरीके का डिले होता है, और इस सवाल को लेकर के हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे और आंदोलनरत रहेंगे जब तक सरकार इन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करती। और इसी चीज़ को लेकर के आने वाली 21 नवंबर को
हम लोग दिल्ली के अंदर आशाओं का, अन्य स्कीम वर्कर्स का एक महाधरना करने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली से ही नहीं पूरे देश भर से आशाएं एकत्रित होंगी, संसद मार्ग पर मार्च करेंगी और अपनी मांगे रखेंगी। मेरी सब आशा बहनों से निवेदन है कि 21 तारीख को, 21 नवंबर को आप सब उस आंदोलन में हिस्सा लें। मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से उन प्रतिनिधियों को जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको टैग करूंगा और दबाव डालने की कोशिश करूंगा ताकि जल्द से जल्द इस पर वो इम्प्लीमेंटेशन लेकर आए। और आने वाले 21 नवंबर आशा वर्कर की प्रोटेस्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्द से जल्द इसमें अपडेट दूंगा। मैं आशीष दिल्ली से, इंडिया अनहर्ड के लिए।